हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड है सेकंड वनडे इंटरनेशनल, तो शुरू करते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। इंडिया पहला मैच जीत चुकी है, अगर वाला मैच जीती है तो सीरीज इंडिया के नाम हो जाएगी। और इसका जो अगला मैच होने वाला है वो हेडिंगली पे होने वाला है। वो वाला मैच इंपॉर्टेंट जब होगा जब इंग्लैंड ये वाला मैच जीती है। इंडिया कोशिश करेगी यहीं पर वाली सीरीज खत्म करें। T20 सीरीज पहले जीत चुकी है और फिर इस टूर में बचेंगे 5 लंबे टेस्ट मैचेस, तो मज़ा आएगा जरूर। तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। इसमें आपको प्लेइंग 11 मिल जाएगी, बहुत सारे स्टैट्स मिल जाएंगे और आपको मिलेगा ड्रीम 11 टीम लास्ट में। तो शुरू करते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे मैच होने वाला है। 61 वनडे मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, 62 बार ये मैच होगा। 26 बार बैट फर्स्ट जीती है, 32 बार बॉल फर्स्ट जीती है। बाकी जो मैच बच रहे हैं वो अबेंडेंड या फिर टाई होंगे या फिर कुछ भी कह सकते हो अब, नो रिजल्ट। अब यहाँ से अगर हम देखें, हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे बना है 334 का बना हुआ है और लोएस्ट टोटल जो है वो 107 का बना है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल यहाँ पर देखें तो 235 बनता है। ये बहुत पुराना हिसाब किताब है। अगर आप देखो तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आप समझ सकते होंगे कितने पुराने मैचेस यहाँ पे हुए हैं। वनडे जब से शुरू हुए हैं यहीं पे शुरू हुए होंगे, तो 200 तब इतने रन नहीं बनते, तो 216 यहाँ पर आप कह सकते हो सेकंड इनिंग एवरेज टोटल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसलिए ही लास्ट के कुछ मैचेस निकाल के लेके आता हूँ जो कि रिसेंटली हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे रिसेंट मैच जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ हुआ है हैम्पशायर वर्सेस कैंट का, जो कि रॉयल लंडन वनडे कप का फाइनल था। हैम्पशायर ने उस वाले मैच में पहले बैटिंग करी थी, 330 रन करे थे। कैंट ने 270 पर ऑल आउट हो गई थी कैंट उस वाले मैच में। तो यहाँ पर रन्स बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं, 300 पर रन जा सकते हैं। फिर एक मैच यहाँ पे लीग स्टेजेस में भी हुआ था, मिडिलसेक्स वर्सेस सरे का, जिसमें 234 पर ऑल आउट हो गई थी मिडिलसेक्स और सरे ने भी जीत लिया था वाला मैच 48 ओवर्स में। अब इससे पहले चलते हैं, एक सीरीज चल रही थी 2016 में, शायद नहीं 2017 में सीरीज थी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की ये बात है, जहाँ पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी। वो इंग्लैंड सीरीज तो जीत गई थी पहले, पर लास्ट मैच लॉर्ड्स पर ही था। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को, बिल्कुल ग्रीन पिच बना रखी थी उस दिन उन्होंने, और फास्ट बॉलिंग साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग ने खत्म कर दिया था इंग्लैंड को एक तरह से, 153 पर ऑल आउट कर दिया था। तो बिल्कुल ग्रीन पिच थी उस दिन ये वाली। अगर हम देखें इंग्लैंड का जो लास्ट मैच, उसके बाद जो मैच, इससे पहले जो मैच हुआ था सॉरी, वो हुआ था आयरलैंड के अगेंस्ट, जो कि इनका समर शुरू हो रहा था उस टाइम पर, पिछले साल की बात है। 328 रन यहाँ पर इंग्लैंड ने करे थे और 243 पे और आयरलैंड को ऑल आउट किया था। तो अगर रन्स तो बने हैं और रन्स ऐसा भी हुआ है, विकटें भी गिरी हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 270-280 रन यहाँ बन सकते हैं इस वाले मैच में। थोड़ी बहुत रेन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, पार्टली क्लाउडी रहने वाला है वेदर। अब प्लेइंग 11 चलते हैं सीधा। जो लास्ट मैच था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने मैच जरूर देखा होगा वाला। रोहित शर्मा का 100 था और मेन पॉइंट था वो थे अगर कुलदीप यादव के 6 विकेट। अब यहाँ से अगर हम देखें, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, रूट, ओयन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, जॉश बटलर, मोइन अली, डेविड विली, लियम प्लंकेट, आदिल रशीद और मार्क वुड, ये स्क्वाड यहाँ पर है। डेविड मलान को लेकर के आए हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एलेक्स हेल्स को साइड स्ट्रेन हो गया। अब हुआ है या नहीं हुआ है कुछ पता नहीं कह सकते, पर एलेक्स हेल्स को साइड स्ट्रेन है, तो उनकी जगह सीधा सीधा सीरीज के अंदर डेविड मलान को स्क्वाड के अंदर अनाउंस किया गया है। अब नीचे से एक प्लेयर बचते हैं, जेक बॉल, तो जेक बॉल, मार्क वुड या फिर किसी एक फास्ट बॉलर की जगह अंदर आ सकता है। सैम कुरन भी स्क्वाड में थे, पर सैम कुरन आज T20 मैच खेल रहे हैं विटारेटिक T20 ब्लास्ट का सरे से, तो अभी वो चल ही रहा है मैच। तो इंग्लैंड, अब इंडिया की टीम क्या रहने वाली है, तो इंडिया में रोहित शर्मा, शिखर धवन, यहाँ पे विराट कोहली नंबर 3 पे आएंगे, ये 3 कर देना, केएल राहुल नंबर 4 पे आएंगे, फिर सुरेश रैना है, एमएस धोनी है, हार्दिक पांड्या है, सिद्धार्थ कौल ही खेल सकते हैं क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को कन्फर्म नहीं कर सकते, अभी फुल रनअप से ही बॉलिंग नहीं डाल रहे थे तो कुछ कह नहीं सकते भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, तो यहाँ पर ये रिस्की पिक रहेगी। बाकी सारे आप कह सकते हो कि कन्फर्म पिक होगी, उमेश यादव, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीधा चलते हैं ड्रीम इलेवन की तरफ, तो जॉश बटलर को ही लेना सही रहेगा क्योंकि एमएस धोनी तक बैटिंग आए ना आए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 4 प्लेयर हैं वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। शिखर धवन बहुत अच्छी फॉर्म में, जब तक आईपीएल खेल रहे थे उससे पहले टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद टेस्ट मैच जो खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त फॉर्म में वो दिख रहे थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि, और अभी आयरलैंड के साथ T20 इंटरनेशनल में भी आप देख सकते हो, तो सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं टॉप 4 इंडिया के, तो एमएस धोनी तक बैटिंग ना है इसलिए मैं सोच रहा हूँ जॉश बटलर को भी आप कंसिडर करना ज़्यादातर। अब 5 जो बैट्समैन मैंने लिए हैं, विराट कोहली है, जॉनी बेस्टो हैं, देखिए 10 क्रेडिट हैं शिखर धवन के, वरना इनको कंसिडर जरूर करता मैं अपनी टीम में। जॉनी बेस्टो की परफॉर्मेंस ज़्यादा सही मेरे को ऐसा लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है तो उनको मैं ले रहा हूँ। यहाँ से रोहित शर्मा है, यहाँ से जेसन रॉय है और लोकेश राहुल को ले रहा हूँ। लोकेश राहुल की जगह यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक बच रहा है, वो है ओयन मॉर्गन, और नीचे से ऑप्शन बच रहा है सुरेश रैना का, पर लोकेश राहुल को लेना बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि नंबर 4 पर बैटिंग करने आएंगे। अब यहाँ से बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या बनता है, अगर चाहो तो यहाँ से
लोकेश राहुल को छोड़ना अगर चाहते हो तो मोइन अली को एक ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। अब तीन जो मैंने बॉलर लिए हैं वो है कुलदीप यादव, उमेश यादव। उमेश यादव को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ मैं युजवेंद्र चहल के ऊपर, युजवेंद्र चहल भी विकेट ले सकते हैं, नो डाउट दो तीन विकेट वो भी ले सकते हैं, पर उमेश यादव शुरू में एक तो बॉलिंग कराएंगे और डेथ में अपने तीन ओवर करा सकते हैं डेथ में, तो वहाँ पर उनको विकेट मिल जाती है। लास्ट मैच में भी ये हुआ था, डेथ में उनको विकेट मिली थी, शुरुआत करेंगे बॉल से तो वहाँ पर भी नई बॉल से एक विकेट उनको मिल सकते, तो इसलिए उमेश यादव को हम ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। डेविड विली को ले रहा हूँ क्योंकि इनकी बैटिंग बाकी बॉलरों से पहले आएगी, लियम प्लंकेट से, आदिल रशीद से पहले आएगी, और अच्छे बैट्समैन हैं और बॉलर भी अच्छे हैं, अगर थोड़ा बहुत क्लाउड कवर रहा ऊपर तो हल्की बहुत स्विंग भी करा लेंगे और किसी भी प्लेयर को दिक्कत में ला सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो ये तीन यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने लिए हुए हैं, अब आपका क्वेश्चन बता दो, आदिल रशीद एक अच्छा ऑप्शन है, युजवेंद्र चहल आपके पास ऑप्शन है, और है लियम प्लंकेट का ऑप्शन, नीचे अगर जाना चाहते हो तो जेक बॉल का भी ऑप्शन तो नहीं है, मार्क वुड कहूँगा, मार्क वुड खेल सकते हैं इस वाले मैच में। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई जी, जेक बॉल खेल सकते हैं वो भी स्क्वाड में है, याद रखना। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।